नमस्कार दोस्तों, बस के टक्कर से बाइक सवार की हुई मौत, गांव में पसरा मातम। दोस्तों आपको इस समय की बहुत ही दुखद खबर आपको बता दूं, देश भर में इन दिनों कोहरे का कहर देखने को मिला है, जिसके कारण आए दिन सड़क हादसे की घटना सुनने को मिल रही है। ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरा रहा जब हमें यह सुनने को ना मिले कि इस जगह हादसे में इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इससे बचाव का एकमात्र तरीका यह है कि अत्यधिक कोहरे में यात्रा करने से बचे, क्योंकि इस दौरान 100 मीटर की दूरी का नजारा भी देख पाना मुश्किल है। अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। इस दौरान कोशिश करें कि गाड़ी को धीमी गति से चलाए, लाइट जलाए रखे, साथ ही सीट बेल्ट लगाना न भूले। भीषण सड़क हादसे में बता दूं, इसी करीब मध्य प्रदेश के सिवानी जिले में भी रविवार को भीषण सड़क हादसा हो गया है। यहां पर तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही युवक की मौत हो गई। इसके बाद इलाकों में अफरा तफरी मच गई और पुलिस को घटना की सूचना दी। वही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक के शव को अपने कब्जे में ले लिया, जिसकी पहचान संतोष देशमुख के रूप में की गई, जो कि उगली थाना क्षेत्र के खामी गांव को रहने वाला बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बस और बाइक में टक्कर हो गई, जहां खून से ही सड़क रंग। फिलहाल मामले की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इधर युवक की घरवालों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है, पूरे परिवार में मातम का माहौल बना हुआ है।